हेलो फ्रेंड्स, क्विक सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष पांडे आज की इस वीडियो में टाइम्स एंड वर्क से जुड़े हुए कुछ सवालों को कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है ये बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखते रहिए। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी मददगार होंगे, और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और भी इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए कृपया बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जिसमें ये बताया जाएगा, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है और बी उसी काम को वाई दिनों में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को एक ट्रिक पे बनाते हैं, जैसे ए और बी के दोनों के काम को कितने दिनों में किए उनको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना दिन जो भी दिन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है दिन को एड करके जोड़ के। तो जैसे ही मान लीजिए कि अब एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन बताते हैं, ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया दोस्तों कि ए का काम जो भी है उसको एक्स मान लेना है और बी का काम जो है कितने दिनों का है उसको वाई मान लेना है। तो ए काम को किया 10 दिन में, बी काम को किया 15 दिन में, तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई यानी ए का काम बी का काम, ए का काम बी का काम कितने दिन में किए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे है एक्स प्लस वाई यानी कि ए का काम 10 दिन का है और बी का काम 15 दिन का है, तो उसको दोनों को ऐड कर देंगे 10 10 15। जब 15 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 होगा, और 10 को और 15 को ऐड करेंगे तो ये होगा 25। 25 से 150 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो यानी ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। दूसरा मेथड ये है, इसको एलसीएम मेथड कहते हैं दोस्तों। दूसरा मेथड ये है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो 10 और 15 उनके सामने दिनों को लिख देंगे, उसके बाद दोनों को एक साथ दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम होगा 30, 10 को 30 सॉरी 30 को 10 से भाग देने पर 3 आएगा और 30 को 15 से भाग देने पर 2 आएगा। तो जो भागफल आ रहा है दोस्तों 3 और 2, इसको हम लोग जोड़ देंगे, ये जोड़ने पे 5 आया, और जो एलसीएम आया है 30, एलसीएम को भाग दे देना है 5 से जो यहाँ पे आ रहा है दोनों के भागफल को जोड़ने पे, तो इसका आंसर भी 6 आ जाएगा, यानी ये दोनों मिलके 6 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दो ट्रिक था दोस्तों, दो ट्रिक में से जो ट्रिक आपको अच्छा लगे उस ट्रिक को अपनाइए, अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सेकेंड क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था कि ए किसी काम को एक दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को उसी काम को सेम वाई दिनों में करता था, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये हमने बताया था। इस काम इस क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिनों में कर रहे हैं और ए अकेले उसी काम को वाई दिनों में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसके लिए देखिए, पहले तो हम लिख लेते हैं ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को x दिनों में कर रहे हैं, x दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, a अकेले उस काम को y दिनों में कर रहा है, तो b उस काम को कितना दिन में करेगा। इसके लिए जो ट्रिक होता है दोस्तों उससे मिलता जुलता ट्रिक होता है, जैसे कि a और b दोनों जो मिल के काम किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है ए के काम से या बी के काम से, जिसका भी काम दिया रहता है उसके काम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे क्या होता है कि जो ए काम किया है या बी काम किया है, क्वेश्चन कुछ अगर बी ए के जगह पे बी दे देता है कि बी अकेले उस काम को इतने दिन में किया है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इस समय क्या होता है कि जैसे हम ए पे मान के बना रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा उसको बी के जगह पे रख दीजिएगा ए का जो वैल्यू है,
जैसे कि हमने बताया कि ए वाई दिनों में कर रहा है, तो वाई जो है वाई में से दोनों मिलकर जितने काम किए हैं, जितने दिनों में काम किए हैं उसको माइनस कर देना है। तो अब आइए एक लेते हैं एग्जांपल, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं और ए अकेले उसी काम को वाई दिनों में यानी 10 दिनों में कर रहा है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए x यानी a और b दोनों का काम 6, y यानी a का काम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे दिया हुआ है y माइनस x यानी a का काम y दिनों का है यानी 10 दिन, और माइनस जो दोनों मिल के काम किए हैं उसको करना है, यानी 6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा यानी 60 हो जाएगा और ये 4 आएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, ये इसको कटाएंगे तो ये 15 बार में कटेगा यानी बी अकेले उस काम को 15 दिनों में कर लेगा। एलसीएम मेथड की बात करते हैं। अब दूसरा मेथड जो है एलसीएम मेथड, दोस्तों हम बताते हैं एलसीएम मेथड कैसे बनता है। जैसे ए और बी दोनों का काम 6 दिन का है, 6 यहाँ पे लिख लेंगे और ए अकेले उस काम को 10 दिन किया है यानी 10 यहाँ पे कर देंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम 30 आएगा यानी 30 आएगा। अब 30 को 6 से डिवाइड करेंगे भाग देने पर 5 आएगा और 30 को 10 से भाग देने पर 3 आएगा। अब क्या करना है कि 5 में से 3 माइनस कर लेना है, ये 2 आएगा, और क्या करना है कि जो एलसीएम आ रहा है एलसीएम को यहाँ पे जितना आया 2 आ रहा है, 2 से हम लोगों को डिवाइड कर देना है यानी 15 बार में ये कट जाएगा, यानी ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आप सबके लिए और भी ऐसे वीडियो लाऊं जिससे आप लोगों को मैथ के सवालों को आसानी से जल्द सॉल्व कर सकें। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।